जहां पर कपड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो सारी आपको भेज दूंगा और फिर आप देख लेना कि ये क्या चीज है। ऐसा मसाला क्या लगा के दूंगा तुझे, हरियाणा का हूं, हरियाणा का पानीपत का, समझ गई? तुझे जैसे कपड़ा में मसाला लगा लगा के, नमक लगा लगा के, वो सर्फ लगा लगा के धोते हैं ना, थपकी मार मार के मैल निकालते हैं, तेरे बिना सर्फ के धुलाई करूंगा, आ जा तू किसी भी रूप में। और एपी सिंह, ये स्क्रिप्ट लिखनी छोड़ दे भैया, वकील है वकील की तरह रह, अच्छा नहीं लगता। हम रोज एक वकील साथी को हमें मजबूरी में ऐसा कहना पड़ता है तेरी हरकतों की वजह से, हमें भी दिल दुखता है कि अगर हम किसी वकील भाई को जो है ना इस तरह एक्सपोज करते हैं कोर्ट में, मैदान में। ये चिचोरी हरकतें छोड़ दे, अब बूढ़ा हो गया तू, तेरी उम्र नहीं है ये गालियां खाने की, ये बदतमीजियां सहन करने की, और ये बदनामगी सुनने की तेरी उम्र नहीं है भाई। अब फिर भी एडवाइज कर रहा हूं मैं, और सामने वाला मोमिन मलिक है तेरे, सीमा कुशवाहा मत समझना, शरीफ लड़की मोमिन मलिक है, तेरी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। और सीमा की और भी हमारे पास आ गई है इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट्स कि ये क्या करती है, वो उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, चिंता मत कर तू। इसको कहेंगे जेल, और ये हैदर के बच्चे जाएंगे हैदर के पास, समझ गई? इतनी डोज बहुत है दोस्तों कि और कुछ बचा कर रखता हूं एक दो दिन के लिए दोबारा फिर, क्योंकि ये हमें बदमाश कहती है, क्रिमिनल कहती है, प्रॉपर्टी ग्रैबर पता नहीं क्या क्या, आतंकवादी कहती है, टेररिस्ट कहती है, हवाला कहती है, पता नहीं क्या क्या कहती है। एक बात बताओ, अगर हम टेररिस्ट होते तो ये इतनी बात कह लेती और ये अब तक बोलती रहती क्या? आतंकवादी कभी कोर्ट में फाइल लेके जाता है क्या? सर मेरा ये केस है लगा रहा हूं मैं, है वो तो गन लेके जाता है, बताओ। ये सारे झूठ तूफान, सारे ब्लेम जितने लगाने लगाए, भारत की जनता जानती है, हम भी जानते हैं, कुछ नहीं, नीरी बकवास। ये हैदर को भारत में आने से रोकना चाहते हैं, ये मोमिन मलिक को डिग्रेड करना चाहते हैं, ये उसके मॉरल को तोड़ना चाहते हैं, उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, डर जाए, दमक जाए, बैठ जाए। उसके लिए कहीं इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। दुनिया का कोई डिपार्टमेंट कोर्ट प्रोसीडिंग पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये कहीं मर्जी एप्लीकेशन दे दो, जब मामला कोर्ट में सब जुडिस होता है, कोर्ट में मामला होता तो दुनिया का कोई इंसान भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इनकी हकीकत क्या है? दोगलापन वो सामने आ गया है, मुंह बोले भैया का भी आ गया और बोडली का भी आ गया। और बोडली अगर दोबारा पर्सनल अटैक करती है, मेरे बारे में गालियां बकती है या कोई और काम करती है, तो देश की जनता तय करेगी कि ये किस खानदान की है और इसके क्या गंध मचाया है और इसके दिल में क्या है और इसकी जुबान पे क्या है। ये फैसला आपके ऊपर है। और अगर इसने दोबारा अटैक किया, पर्सनल अटैक, कोर्ट में जा, कोर्ट में पेश हो, जवाब दे, गवाही करा, कोर्ट का फैसला इंतजार तू भी कर, हम भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पर्सनल अटैक मोमिन मलिक पे किया तो दोस्तों मेरा नंबर ले लो आप, वो वीडियो सारी मैं वायरल करूंगा, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दे, अरेस्ट करा दे, जो मर्जी कर दे, इसकी हकीकत पूरी दुनिया को पता चल जाएगी कि ये क्या चीज है, कितना गंद मचाया है, हैदर के साथ क्या किया है और ये वहां पर क्या धंधा करती थी, ये सारा आपको पता चल जाएगा। इस बोडली जेड का बाप बेचारा बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बच्चों से वो प्यार करता था बहुत, तो उसने फोन किया इसको कि भाई मेरा कुछ नहीं पता, मैं बीमार हूं, बच्चों को लेके हॉस्पिटल आ जा। ये कहने लगी सुबह आऊंगी, कह रहे बेटा सुबह तक मैं जिंदा बचूं या ना बचूं कोई भरोसा नहीं, अभी आ जा। तो बोडली जेड फोन करके बैठ गई आराम से, और वो बंदा रात को ही मर गया। ये प्यार है इसका अब्बू का, अपने बाप को जीते जी मार के आई है ये बंदी, जीते जी बच्चों को मिलवानी, अगर
बच्चों से अटैचमेंट था, अगर ये रात को चली जाती वहां बच्चों को मिलवा देती तो इसका इसका जो है वो क्या फर्क पड़ जाता। इसका बाप बच्चों से मिलने के लिए तड़फता हुआ चला गया इस दुनिया से। तो ये किसी की नहीं, जिसने इसको पैदा किया, इसको चलना सिखाया, इसको बड़ी किया, इसको खाने पीने के लिए दिया, इसकी टॉयलेट भी बचपन में साफ की होगी इसके बाप ने, और वो मेहनत मजदूरी करके इसको पाला बड़ा किया, हॉस्पिटल में उसके लिए नहीं गई। ये सचिन भैया ये तेरी क्या होगी। रघुपुरा वाला दोस्तों भाइयों, ये रघुपुरा की क्या होगी। मेरे भारत के लोगों, ये हमारे भारत की क्या होगी। आप समझो जो खुद के बाप की नहीं हुई। चलो गुलाम हैदर को तो छोड़ो, जो इसका बाप था ये उसकी तो वहां हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। चलो हम मानते हैं गुलाम हैदर से इसकी नहीं पटती, लेकिन जो इसका बाप है, जो इसको फोन करके बुलाया कि आ जा हॉस्पिटल में बच्चों को लेके, मेरा कुछ नहीं पता मैं कब मर जाऊं, कम से कम बच्चे को देख तो लूं, तो बंदी ने फोन बंद कर लिया। तो ये भारत की कैसे होगी भाई। जिसका खून है, जिसका खून इसकी रगों में दौड़ता है, उस खून को दगाबाज कर दिया। जिसके चार बच्चे पैदा किए उसके पीछे में लात मारी गुलाम हैदर के, उसके घर को बेच दिया, उसके 3 लाख ले लिए, मोबाइल वाले का मोबाइल लेकर भाग गया ही, उसके आज तक पैसे नहीं दिए। वो भी रिकॉर्डिंग आ गई मेरे पास, उसका बिल भी आ गया। सरेआम नाच नाच के वीडियो बना के नए नए गानों पे वायरल कर रही है। तो एपी सिंह जी, जो आप मुंह बोले भैया हैं, आप अपनी बहन बोर्डली जेड का नाचने से उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं। क्या वो आपकी, या तो वो आपकी बहन नहीं है, या आपने दिल से उसको अपनी बहन नहीं माना, या आप उसका सिर्फ बहन के शब्द को यूज कर रहे हैं और सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए आप बोर्डली जेड का सहारा लेते आ रहे हैं 1 साल से। चैनलों में चेहरा चमकाने के लिए आपने बोर्डली जेड का सहारा लिया है, या तो ये सच है। और अगर आप उसके बोर्डली जेड के सच्चे मुंह बोले भैया हैं, तो आप उसको नाचने से, देखिए कोई दुनिया का भाई ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बहन समाज के सामने नाचे गाए और वो दुनिया को दिखाए। कोई सच्चा भाई कभी भी अपनी बहन को नाचने नहीं देगा, कभी भी। हम सब भाई हैं, जो लोग देख रहे हैं वो सब भाई हैं, दुनिया के तमाम लोग भाई हैं, सभी की बहनें हैं, सभी बहनों के भाई हैं। तो मुझे बता दो कि सभ्य समाज का कौन आदमी अपनी, जो भाई है, जो सच में भाई है, वो अपनी बहन को समाज के सामने रूप बदल बदल के नाचने देगा। क्या कोई है बताओ भाई। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या कोई भाई ऐसा है। अगर नहीं है तो आप मुझे थम का निशान लगाओ कि कोई भाई ऐसा नहीं है। लगाओ सारे जितने भी देख रहे हो कि कोई भाई ऐसा हो सकता है जो अपनी बहन को पब्लिक के सामने नचाए। कोई हो सकता है क्या, बताओ। आप जवाब दो मेरे को, या तो कमेंट लिखो और या फिर थम का निशान लगाओ। कोई भाई है, नो या नो लिखो या कमेंट लिखो। कोई भाई है ना, नहीं है ना। दुनिया में कोई भी भाई ऐसा नहीं है, कोई भी भाई जो अपनी बहन को समाज के सामने नचाए और दुनिया उस नाच को दुनिया देख करके गंदे गंदे कमेंट करे, गंदे गंदे कमेंट पास करे, उसके बारे में गंदी सोच दिमाग के अंदर लाए और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करे, तो कौन भाई ऐसा है जो उसकी बहन का नाच को, उसकी बहन को, वो उस अपनी बहन को नाचने दे और गंदे गंदे कमेंट उस पे होने दे और गंदे गंदे ख्याल उस नाच को देख के लोगों के दिल में आने दे और गंदे गंदे विचार आने दे और उसके बारे में गंदे गंदे जो है स्टेटमेंट या कमेंट आने दे। दुनिया का कोई भाई नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो जी हम पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे अगर मेरी बेटी ऐसा करती,
दूसरी तरफ बेटी और बहन में क्या फर्क है बताओ आप भाई दोस्तों, कमेंट में बताओ एक इंसान बेटी और बहन में क्या फर्क है। बल्कि बेटी से ज्यादा इंसान को अपनी बहन को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए बताओ बताओ। बेटी से पहले मैं अपनी बेटी से पहले अपनी बहन को मानता हूं, क्योंकि वो मेरे बाप की औलाद है, मेरे उसी कोख से जन्म लिया है जिस कोख से मैंने जन्म लिया है। मेरी बेटी बाद में पहले मेरी बहन है। बताओ आप सभी भाई बताओ जो देख रहे हैं कि जहां बहन और बेटी दोनों का मुकाबला आ जाएगा तो एक सच्चा भाई किसको किसको प्रीफर पहले करेगा, पहले बहन को करेगा ना, बहन को करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ, करेगा ना बहन को, बोलो ना यार बताओ, लिख के जवाब दो, पहले बहन को करेगा या बेटी को करेगा, लिखो यार बताओ किसको करेगा, बताओ आपसे पूछता हूं मैं, पहले इंसान बहन को करेगा ना, बेटी तो बाद में ही है ना। तो बेटी को तो आप के बारे में आप कह रहे हो कि मैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता, और बहन को आप सरेआम नचवा रहे हो और उसको कभी रोकते नहीं हो, बल्कि और कहते हो और नाचो और नाचो और नाचो और नाचो। भाई ये कौन सा बसंती है जो गब्बर सिंह कहेगा कि नाचो बसंती नाचो, अगर नहीं नाचोगे तो मैं ये कर दूंगा, कोई है क्या, ये कोई बसंती है क्या, ये कोई गब्बर सिंह है ये कहेगा कि नाच बसंती नाच नाच, कोई है क्या बता। एक भाई को बहन को नाचने से रोकना चाहिए या ये कहना चाहिए चलो बसंती और नाचो, चलो बोडली जेड और नाचो, कोई कह सकता है, नहीं कह सकता। तो ये सारा जो मामला है वो सारा मामला जो है वो YouTube चैनल Facebook मीडिया से जो गिफ्ट आ रहे हैं, जो गांधी छपे 500 500 के या गांधी छपे जो करेंसी है वो आ रही है, जो डॉलर आ रहे हैं, ये सारा मामला किसका है, इनका है सारा मामला। गलत तो नहीं कह रहा। अब मोमिन मलिक ने गुलाम हैदर का केस पकड़ लिया, इंसानियत के नाते कोई चवन्नी गुलाम हैदर से नहीं ली, कोई अंसार वर्दी ट्रस्ट से नहीं लिया, एक इंसानियत के नाते एक दुखी बाप का केस पकड़ लिया, केस फाइल कर दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिया, तो गुलाम हैदर को भूल गए, मोमिन मलिक को जो है ना ब्लेम लगाना